हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन EDTA मेथड। पिछले वीडियो में हमने EDTA मेथड के बारे में बात करी थी, क्या प्रोसीजर होता है वो बात करा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन EDTA ठीक है क्यों कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट है टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस, यानी कि इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए EDTA मेथड के न्यूमेरिकल का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी EDTA मेथड के बारे में मिल जाएगी, जो सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी ठीक है। EDTA मेथड का जो न्यूमेरिकल है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इतना ही इजी है। जी हाँ, आपको बस कुछ चीज़ें याद रखनी है और थोड़ी सी माइंड में आउटलाइन बनाना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली चीज़ हमें देख ली कि कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, और हमें हर क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या होगा, ये चार चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी होगी और जिसको हमें हर बार पता लगाना है ठीक है। फर्स्ट चीज़ है अमाउंट ऑफ CaCO3 इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर CaCO3 कितना है ठीक है। बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, SHW। SHW मीन्स होता है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ठीक है। तो SHW वाटर, सबसे पहले ये टर्म हमें समझना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर होता क्या है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर आप एक तरह से कह सकते हैं सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, जिसकी जो हार्डनेस है वो हमें इतना उलझने की भी जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली बस ये याद रखना है कि SHW, यानी कि आपको हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया होगा, उसके अंदर कितने CaCO3 का अमाउंट है वो भी दिया होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि CaCO3 का अमाउंट कितना है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, EDTA कंज्यूम इन SHW, यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना EDTA कंज्यूम हुआ, EDTA कंज्यूम इन हार्ड वाटर यानी कि हार्ड वाटर में कितना EDTA कंज्यूम हुआ, और EDTA कंज्यूम इन बॉइल्ड वाटर और बॉइल्ड वाटर के अंदर कितना EDTA कंज्यूम हुआ। ये चारों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी होगी, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है बट ये इम्पॉर्टेंट। अब हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो होता है उसकी जो हमें हार्डनेस वो पता रहती है, तो उसके अंदर कितना EDTA कंज्यूम होगा ठीक है, उस तरह से रिलेशन निकालना पड़ता है हमें। तो स्टैंडर्ड ये जो आपको ए दिया हुआ है ना अमाउंट ऑफ CaCO3, ये किसके अंदर यूज होगा, स्टैंडर्डाइजेशन करने के अंदर। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल का यही है, अगर आपने ये पार्ट कर लिया तो आगे की बहुत ही ईजी है और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। सेकेंड है हमारा कैलकुलेट टोटल हार्डनेस, कैलकुलेट परमानेंट हार्डनेस। तो ये बहुत इजी स्टेप है, मेन स्टेप आपको ये फोकस करना है स्टैंडर्डाइजेशन पे, जो कि इजी है बहुत और आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी दिमाग में आपको आउटलाइन बनानी पड़ेगी। तो अगर अभी तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सीधे न्यूमेरिकल देखिए और आपको बिल्कुल सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, SHW सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम इन CaCO3 एंड मेकअप अप टू 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन कंज्यूम 21 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। व्हेन 100 ml ऑफ हार्ड वाटर सॉल्यूशन कंज्यूम 22 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। द सेम हार्ड वाटर सैंपल आफ्टर बॉइलिंग कंज्यूम 16 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। फाइंड आउट ईच टाइप ऑफ हार्डनेस। तो हमें हर टाइप के हार्डनेस पता करनी है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमें, स्टैंडर्डाइजेशन।
तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, अमाउंट ऑफ CuCO3 प्रेजेंट इन 1000 ml, मीन्स एक लीटर के अंदर कितना CuCO3 प्रेजेंट है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कंज्यूम 10 ग्राम ऑफ CuCO3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें क्या क्या गिवन होगा। इस रिलेशन को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, 1 ml के अंदर, ठीक है। तो 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कंटेंट 10 mg ऑफ CuCO3, सिंपल है, मिलीग्राम को ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया और 1 ml के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमें रिलेशन मिला, 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कंटेंट 10 mg ऑफ CuCO3। ये तो ये हमारी पहली चीज, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब अभी बाकी है, ये हुई पहली चीज। इसके बाद हमें वो रिलेशन उठाना है कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर कितना EDTA कंज्यूम करता है। तो पहला रिलेशन हमने वो उठाया जो कि दिया है 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 21 ml ऑफ EDTA, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट ऑफ EDTA इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है इसको आपको सम हाउ अमाउंट ऑफ CuCO3 में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको निकालनी है हार्डनेस, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की मतलब सैंपल हार्ड वाटर से ही आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1 ml EDTA में कितना CuCO3 कंटेन है, यही स्टैंडर्डाइजेशन है। मींस स्टैंडर्डाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि 1 ml ऑफ EDTA के अंदर कितना CuCO3 कंज्यूम है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमने ये रिलेशन निकाला, 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर कितना कंटेन करता है, 10 mg। अब यही रिलेशन है हमने फिर क्या उठाया, SHW यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना EDTA कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हमें लास्ट में जो रिलेशन चाहिए उसके अंदर तो EDTA चाहिए, इसको हमें कुछ नहीं चेंज करना। ये जो आपको 20 ml ऑफ SHW कंटेन है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, अमाउंट ऑफ CuCO3 के अंदर, क्योंकि हार्डनेस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ CuCO3। और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर भी आपको रिलेशन चाहिए EDTA और CuCO3 के बीच का। तो हमें ये पता तो चल चुका है ना कि 1 ml डिस्टिल वाटर के अंदर कितना मिलीग्राम CuCO3 है, 10 mg। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है इसको मैंने उल्टा लिखा है, पहले मैंने EDTA लिख रहा है फिर इसको ये लिख रहा है। तो हमें अब क्या करना है कि हम 1 ml के लिए हमें पता है 10 mg, तो 20 के लिए क्या हो जाएगा, 20 × 10 mg ऑफ CuCO3। कुल मिला के मैंने इस वाले जो पोर्शन को मैंने अमाउंट ऑफ CuCO3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे, क्या है, क्योंकि मुझे 1 ml का पता है 10 mg, तो 20 ml का कितना होगा, 20 × 10 mg। अब मुझे ये जो रिलेशन है 21 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 20 × 10 mg ऑफ यानी कि 200 mg ऑफ CuCO3 मिल गया। मुझे इसको 1 ml के लिए कैलकुलेट करना है, 1 ml के लिए क्या होगा, 21 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10/21 जो कि सॉल्व होने पाएगा 99.5 mg ऑफ CuCO3। ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आपने ये कर लिया है तो आपका आगे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। इस रिलेशन का यूज़ करना है हमें टोटल हार्डनेस निकालने के लिए और परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि टोटल हार्डनेस डिपेंड्स अपॉन दी हार्ड वाटर, यानी कि जो आपको रिलेशन दिया है हार्ड वाटर और EDTA का वो यूज़ होगा टोटल हार्डनेस निकालने के लिए। और परमानेंट अगर हार्डनेस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको बॉइल्ड वाटर और EDTA का जो रिलेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है कि 100 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेंस 22 ml ऑफ EDTA, यानी कि हम यहाँ पे क्या नहीं, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करने का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है, अभी बताया मैंने रिलेशन ऑफ EDTA एंड हार्ड वाटर। तो वो रिलेशन क्या दिया है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 100 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेंस 22 ml ऑफ EDTA, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अभी हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल हार्डनेस। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हार्डनेस डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ CuCO3। तो अब ना हमें इस EDTA को CuCO3 के अंदर समहाउ कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो
तो हमें ये पता चल चुका है कि 1 ml ऑफ EDTA क्या है, 9.5 ml ऑफ CO3, तो 22 के अंदर कितना ml ऑफ EDTA होगा, 22 के अंदर कितना CO3 होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 22 into 9.5 जो हमने रिलेशन पहले निकाला था वो, ठीक है। और हमें चाहिए 1 ml के रेस्पेक्ट में 1 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेंट्स, तो हम 100 को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो 1 ml ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल टू ये रिलेशन मिला। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो रिलेशन निकालना है वो 1000 आना चाहिए, यानी कि 1 लीटर के अंदर निकालना है, ठीक है। तो पहले मैंने 1 ml के लिए वो रिलेशन निकाला, फिर उसको मैंने 1000 के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिला है 2090 ऑफ CO3, ठीक है। यानी कि आपको जो भी प्रोसीजर क्या है, पहले आपको अमाउंट ऑफ CO3 से मतलब डिस्टिल वाटर यानी कि सैंपल वाटर के अंदर कितना CO3 वो कैलकुलेट करना है। देन आपको क्या करना है कि एक ml के अंदर कितना CO3 वो कन्वर्ट वो पता लगाना है। उसको पता लगाने के बाद आपको जो EDTA का है उसको कन्वर्ट करना है CO3 के अंदर मल्टीप्लाई करके। फिर आपको मेन फोकस कहाँ रखना है कि आपका जो भी वो लास्ट में हार्डनेस आए वो 1000 ml के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए हमेशा, तभी जाके आपका आंसर एक्यूरेट माना जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है थर्ड, परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए, वो डिपेंड करता है बॉइल्ड वाटर पे और EDTA के रिलेशन के ऊपर। तो बॉइल्ड वाटर और EDTA का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। दिया हुआ है हमें 100 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 16 ml ऑफ EDTA, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे 1 ml के लिए 1 ml ऑफ इजिकल टू यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, और हमें 1 ml ऑफ EDTA का क्या पता है 9.5, तो हमने 9.5 से इंटू कर दिया। और हमें वापस क्या निकालना है 1000 ml के रेस्पेक्ट में निकालना, इसलिए 1000 से हमने इस तरफ इंटू कर दिया। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया है 1520 ml ऑफ लीटर ml प्रति लीटर, ठीक है। फोर्थ स्टेप, अगर आपको कभी पूछ लें कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, तो टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, यानी कि आपने जो टोटल हार्डनेस निकाला है और परमानेंट हार्डनेस निकाला है उन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपको परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी ना बने इसलिए मैंने अभी एक एग्जाम्पल है। अगर आपकी और भी क्वारी होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर है मेरा 6376928 67, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, देखिए मेरे पास पूरी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं, तो अगर वो नोट्स चाहिए तो आप वो पा सकते हैं एट द रेट ऑफ 30 rupees ऑन माई पेटीएम वॉलेट इफ यू वॉन्ट। प्लीज सब्सक्राइब, थैंक्स।